सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देख रहे हैं आपके सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 20C का चैप्टर बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो एज वी ऑल नो दैट कि इस वाले चैप्टर में हमारे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो टॉपिक्स थे जो कि बच गए थे, जिसमें पहला है आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बाद एक टॉपिक आएगा मिथ्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो टोटल यही दो टॉपिक्स थे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे बच गए थे। इसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और हम प्रोसीड करेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे होती है, ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है, फिर क्या क्या उसको स्टेप्स लेना पड़ता है, और कब जाके वो पूरी जर्नी एंड पे आती है, ये चीज अपन देखेंगे। कि अगर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है और वो सोच रहा है कि आगे जाके भैया उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको बिजनेस करना है, तो कैसे कैसे उसको शुरुआत करनी है और क्या वो स्टेप्स लेना चाहिए, तब जाके वो एक प्रॉपर बिजनेस अपना बना पाएगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। एवरी एंटरप्रेन्योर ड्रीम दैट हिज और हर बिजनेस बिकम्स वाइडली सक्सेसफुल, बट बिहाइंड दिस सक्सेस देयर मस्ट बी अ बिजनेस प्लान। हर एक एंटरप्रेन्योर का ये सपना जरूर होता है कि कल को वो जाके बिजनेस करे और फटाफट उसको बिजनेस में तरक्की मिले और जल्दी से जल्दी उसका जो बिजनेस है अपने इंडस्ट्री के टॉप में पहुंच जाए। बट क्या ऐसे सोचने से होगा? ना, इसके पीछे हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेआउट, एक प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक प्लान बनाना पड़ेगा। अब बिजनेस प्लान क्या होता है तो हम सभी को अच्छी तरीके से पता है। अपन क्लास 12th में हमारा चैप्टर था बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 4, जो कि बात करता था प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होता है? आज बैठ के हम फ्यूचर में हमको क्या सारे स्टेप्स लेने हैं, क्या सारे हमारे पास ऑब्स्टेकल हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए ही आज से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आज से ही हम प्लान बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या है? तो बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर दैट डिस्क्राइब्स ऑल द रिलेवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी, इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग न्यू वेंचर, इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। वो क्या करेगा एक एंटरप्रेन्योर, सारे जितने भी रिलेवेंट एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, एक्सटर्नल एलिमेंट सच एज जो भी लॉ वगैरह हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या आउटलुक है, ये हो गया, कंट्री की जीडीपी वगैरह हो गया, यानी जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं मोस्टली वो क्या आ जाएंगे, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बन जाएंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट सच एज इंटरनल एनवायरनमेंट में आगे आपके इंप्लॉयज आ गए, या आपके इंप्लॉयज को आप कैसे हायर करोगे, क्या अगर आपने हायर कर लिया टीम बन गई, टीम कैसे बनाओगे, टीम बन गई उसको कैसे आप प्रॉपर टाइमली मोटिवेट करते रहोगे, अपने सप्लायर से अपने प्रोड्यूसर से आपको कैसे डील करना है, सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। फिर लिखा है टू गिव डायरेक्शंस टू द विजन फॉर्मुलेटेड बाय द एंटरप्रेन्योर, बिजनेस प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस प्लानिंग क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन देता है? तो बिजनेसमैन का जो विजन होता है, जो उसने सोचा होता है, जो सपना उसने देखा होता है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए बिजनेस प्लान बनाना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है एकदम? हां जी सर। अब अपन आते हैं स्टेप्स टू एंटरप्रेन्योरशिप में, कि एंटरप्रेन्योर कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे बड़ा होते जाता है। तो स्टेप नंबर 1 इज जनरेटिंग एन आइडिया, ठीक है, जनरेट एन आइडिया। सबसे पहले आपके पास एक आइडिया आना चाहिए, एक दिमाग आना चाहिए कि आप क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे या आप क्या ऐसी सर्विसेज दे सकते हो जिसकी लोगों को एक्चुअल में जरूरत है, जिसकी लोगों को एक्चुअल में जरूरत है। अगर बाजार जो चाहता है उसी को अगर आप बनाते हो, अगर जो बाजार चाह रहा है, जो उनकी डिमांड है उसी को आप फुलफिल करते हो, उनकी सप्लाई आप कर देते हो और उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी है, बट ऑब्वियसली बात है आपका बिजनेस हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो आइडिया, आपको वो सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है जो प्रॉब्लम बाजार में लोगों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर पीपल और क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट फुलफिल्स अ नीड, आप किसी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप सॉल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू, पहले वो आइडिया आपको जनरेट करना है। दूसरा, आपको करनी है मार्केट में रिसर्च। स्टेप 2 इज डू मार्केट रिसर्च। किस बारे में रिसर्च? कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की है जेन्युइन है, ये कितने लोगों को हो रही है, क्या इसकी एक्चुअल में डिमांड है, इससे आपको पता चलेगा ज्यादा डिमांड है, कम डिमांड है, डिमांड भी किन के बीच में है, या मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के बीच में ये डिमांड है, या एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी के लिए ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको जब आप मार्केट में जाओगे रिसर्च करोगे उससे आपको पता चलेगा। मेक अ स्टडी टू लुक इनटू व्हाट अदर्स आर ऑलरेडी डूइंग इन दिस फील्ड, फिगर आउट इट डिमांड्स इज स्ट्रॉगर और नॉट। देखो कि भैया डिमांड प्रॉपर है या नहीं है, बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, और दूसरा अगर कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं, अगर कॉम्पिटिटर है तो वो क्या ऐसे कर रहा है, या वो क्या अभी भी ऐसा नहीं कर पा रहा है जो मैं करके उससे आगे निकल सकता हूँ। थर्ड चीज, अब आपको पता चल गया आपके पास आइडिया है, आपको पता चल गया डिमांड है, अब आप क्या करोगे, अब आप प्लान बनाओगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करोगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करोगे और आउटलाइन करोगे द स्टेप इट विल टेक टू बिल्ड योर बिजनेस एंड योर ब्रांड। अब आप क्या करोगे, आउटलाइन करोगे वो स्टेप्स जो आपको नॉर्मल छोटे बिजनेस से उसको बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प करेगा, अननोन से नोन ब्रांड बनाने में हेल्प करेगा। अब आपको स्ट्रेटजी वगैरह देखना है कि भैया आप कैसे क्या काम करोगे।
फोर्थ इज अरेंज योर फाइनेंसिस, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सोचने से काम नहीं होगा, आपको अगर एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आपको कैपिटल लगेगा, उसके लिए आपको पैसा लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, वंस आपके पास आइडिया आ गया, आपको पता चल गया मार्केट में डिमांड है, आपने बेसिक एक रफ अपना प्रोडक्ट या सर्विस बना लिया, एक प्लान बना लिया कि इसको इस तरीके से अपन बनाएंगे और ये जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब आपको क्या करना है, उसको हरकत में लाने के लिए आपको चाहिए फाइनेंस। अब फाइनेंस से रिलेटेड अब आपको देखना है कि क्या आप अपना खुद का पैसा लेके आओगे, या आप लोन लोगे, या मार्केट से उठाओगे, इन्वेस्टर्स लेके आओगे, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करोगे, कैसे करोगे। तो अरेंज योर फाइनेंसिस इज द फोर्थ स्टेप। डज योर बिजनेस नीड अ ह्यूज कैपिटल टू गेट स्टार्टेड, और इफ सो कंसिडर योर एसेट, लोन, क्राउड फंडिंग एंड अदर पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो कि भी आपको आपके बिजनेस में कितना पैसा चाहिए इनिशियली उसको स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, क्या आप वो पैसा आप खुद से मैनेज कर सकते हो, आपको बाहर से वेरियस मीन्स के थ्रू अरेंज करना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप इज डू द लीगल फॉर्मेलिटीज। जो भी लीगल फॉर्मेलिटी आपने डिसाइड कर लिया, पैसा भी आ गया, अब आप एकदम रेडी टू गो। अब क्या करना है आपको, आप देखो कि क्या आप कंपनी फॉर्म करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर बेचोगे, पार्टनरशिप लगाओगे या LLP लगाओगे। अब जो भी करोगे उसके आपको जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी करना है, सारा जितना भी लीगल काम है, लोगो लेना, ट्रेडमार्क लेना, ठीक है, सारी चीजें, कंपनी का नाम बनाना, प्रोडक्ट का जो भी कलर कॉम्बिनेशन का डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जो भी आपको सब लेना है, वेबसाइट बनानी है, ऐप डेवलपमेंट करना है, अगर खुद की वेबसाइट से नहीं अमेजोन वगैरह से बेचना चाहते तो उनसे भैया टाई अप करो, उनसे बात करो, एक रजिस्टर्ड आप उनके वहां पे सेलर बन जाओ, ये सारी चीजें आपको करनी है। सेलेक्ट द नेम ऑफ योर फर्म, क्रिएट अ वेबसाइट एंड फाइल फॉर लाइसेंसेस, चूज योर बिजनेस स्ट्रक्चर, वेदर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी अब जो भी लीगल काम बचे हैं, कंपनी को बनाना, पेटेंट लेना, ट्रेडमार्क लेना, कॉपीराइट कराना, सारी चीजें अब आपको करनी है। लास्ट, अब प्रोडक्ट की आपको क्या करनी है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट आपने लगभग यहाँ पे बना लिया, फाइनेंसेस आ गए, कंपनी बन गई, कंपनी का नाम हो चुका है, अब आपके नाम पे रजिस्टर्ड, अब आपको क्या करना है, अब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी है। स्टार्ट प्रमोटिंग योर बिजनेस ऑनलाइन एंड इन सोशल मीडिया, कंसिडर क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट बजट सो दैट यू कैन इंक्रीज द रीच एज योर बिजनेस ग्रोस। क्या बोल रहे हैं भैया, अब आपने वंस अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपको क्या सर्विस देनी हो आपने डिसाइड कर लिया, अब लार्जर ऑडियंस तक रीच करने के लिए आपको क्या करना है, उसको आपको एडवर्टाइज करना है, जिससे आप भैया फटाफट से लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सको। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट बजट अलग से बना के रख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आगे लिखा है, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर कैन ओवरकम द मेंटल बैरियर्स एंड गेट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर सोर्सेज, देन द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम कैन बी फॉस्टर्ड। देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वन सच एग्जांपल इज गिवन बिलो। क्या बोल रहा है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर जो मेंटल बैरियर्स उसको फेस करने पड़ते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, उसको अगर वो ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ उसको कहीं पे सपोर्ट मिल जाता है, चाहे गवर्नमेंट का या अपने आसपास से के लोगों का, खुद की फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, अगर उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो इस कारण क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे उभरेगा, वो उभर जाएगा, उसको देख के बाकी लोग इंस्पायर होंगे, बाकी लोग भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, वही सपोर्ट इकोसिस्टम धीरे धीरे तैयार होगा और धीरे धीरे क्या है, माहौल बन जाएगा। इकोसिस्टम मतलब क्या, सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बन जाएगा और प्रॉपर तरीके से बिजनेस हम कर पाएंगे। अब बोल रहा है बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल हमारे पास है, जिसमें से एक नीचे दिया गया है जो कि है Amazon का, जिसके फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट नहीं है उतना ज्यादा, एक बार फिर भी दिया है तो पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट ने अपने नोट्स में डाला है तो मेरी भी मजबूरी बनती है कि ये कंटेंट मैं अपने नोट्स में दूं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की 1986 में कंप्यूटर इंजीनियर और कमर्शियल एस्ट्रोनॉट में, और अगर आपको शायद पता नहीं हो बट जेफ बेजोस की एक और कंपनी है जो कि स्पेस टूरिज्म के लिए भी काम करती है, जैसे इलॉन मस्क के पास है, उनका क्या नाम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इलॉन मस्क की भी एक स्पेस एक्स जैसे इलॉन मस्क की कंपनी, वैसी जेफ बेजोस के पास भी एक स्पेस रिलेटेड कंपनी, शायद ब्लू ओरिजिनल या इस टाइप का कुछ नाम है, जो कि क्या करती है, अगेन रॉकेट मिसाइल वगैरह पे है, अटैकिंग वाला नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, और आजकल उन्होंने स्पेस टूरिज्म भी चालू किया जिसमें जेफ बेजोस भी स्पेस में जाके आ चुके हैं अपने रॉकेट के अंदर, एंड सेफली वो आ गए थे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर फर्स्ट वेंचर उनका था ड्रीम इंस्टीट्यूट, समर कैंप था स्कूल चिल्ड्रन के लिए, फिर उन्होंने वॉल स्ट्रीट, काफी फेमस जगह है अमेरिका में, वहां पे उन्होंने काम किया, फिर अमेजोन उन्होंने 1994 में एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया, फिर उसको एक्सपैंड किया और CEO की पोस्ट से उन्होंने 21 में अपना रिजाइन दे दिया और अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो बन गए हैं। बाकी जो भी उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो बेजोस एक्सपीडिशन के अंदर वो संभालते हैं। फिर को फाउंडेड बायोटेक्नोलॉजी फर्म एल्टॉस लैब इन सेप्टेम्बर 21, और ये उनका एक फेमस कोट, इफ यू आर नॉट स्टबर्न, अगर आप जिद्दी नहीं हो, यू विल गिव अप ऑन एक्सपेरिमेंट्स टू सून, अगर आप जिद्दी नहीं हो तो आप अपने एक्सपेरिमेंट पे बहुत ही जल्दी उतर जाओगे, उसका आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, गिव अप कर दोगे। एंड इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, सिचुएशन से आप जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते हो, यू विल पाउंड योर हेड अगेंस्ट द वॉल एंड यू वोंट सी अ डिफरेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आप क्या करते रहोगे, आप दीवार में अपना सिर मारते रहोगे, पर प्रॉब्लम को आप सॉल्व
नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपको जिद्दी होना है, आपको अड़े रहना है कि भैया मुझे कुछ काम करना है, बट ऐसे ही नहीं कि आपने एक चीज सोच लिया कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, मेरे को ऐसे ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको फ्लेक्सिबल भी होना है और प्लस अपने गोल के प्रति आपको स्टबर्न रहना है कि यार ये चीज मेरे को अचीव करनी है। अब इसके लिए 10 रास्ते हो सकते हैं, हो सकता है मैं एक में जाऊं फुलफिल ना हो, दूसरे में मेरे को जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, वरना आप गोल को अपने फुलफिल कभी नहीं कर पाओगे। आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की दुनिया में क्या सारे मिथ्स हैं जो कि बाजार में घूमते रहते हैं। लिखा है, एवरी एंटरप्रेन्योरशिप एडवेंचर फॉलोज डिफरेंट रूट्स, द चैलेंजेस दैट क्रॉप अलोंग द वे आर ऑफ्टन सिमिलर, द चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर हु आर एम्बार्किंग ऑन द स्टार्टअप जर्नी, मिथ एज अ रूल ऑफ थंब गेट टॉस्ड अराउंड द स्टार्टअप वर्ल्ड एज इट इज गॉस्पेल, बट इट इज एक्चुअली अ मेंटल ट्रैप टू एन एंटरप्रेन्योर। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस मिथ आर, क्या क्या मिथ्स है। सबसे पहला, यू हैव टू बिल्ड अ बिलियन डॉलर कंपनी। आपको क्या एकदम, आपको छोटा मोटा तो बिजनेस करना ही नहीं, आपको फटाफट से यूनिकॉर्न बनना है, एक बिलियन डॉलर की कंपनी बनाए, ये क्या है? मार्केट में मिथ है। जो कोई भी एंटरप्रेन्योर जाता है वो सोचता है कि भैया कैसे ना कैसे मैं जल्दी से जल्दी इसको यूनिकॉर्न बना दूं। ना, जरूरी नहीं है हर कोई जो बिजनेस की फील्ड में है वो एकदम टॉप में पहुंच जाए, हर कोई इलॉन मस्क बिल गेट्स बन जाए, ना जरूरी नहीं है। आप छोटे लेवल में भी अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको टॉप में, टॉप में आओगे तो अलग ही बात है, फिर वो तो एक अलग ही बॉल गेम बन जाता है, बट जरूरी नहीं है आपको टॉप में ही लेके जाना है। मीडियम लेवल, स्मॉल लेवल में भी आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से आप स्पेंड कर सकते हो। आगे लिखा है, हायर द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल यू कैन फाइंड। अगर आप एकदम टॉप के बंदों को, एकदम आईआईटी आईएम वालों को नहीं हायर करोगे, सीए सीएम सीएस को हायर नहीं करोगे, जब तक आपका काम चलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉप के एकदम एआईआर्स को हायर नहीं भी करते हो, आप किसी भी अदर प्रोफेशनल को हायर करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो जरूरी नहीं हमको पीछे भागना, एकदम जो टॉप वाले हैं उन्हीं को हायर करना है स्टार्टिंग में, जब आपकी कंपनी बड़ी हो गई है, आप माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन इस टाइप की कंपनी बन चुके हो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली, अब आप हर जगह से जो भी टॉप बंदे हैं उनको उठाओ। और अगर आप एक छोटी कंपनी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चाह रहे हो कि यार मेरे को टॉप बंदा मिल जाए, उसको आप सैलरी नहीं दे पाओगे, सैलरी दोगे आपकी कंपनी लॉसेस में आने भी लग सकती है, तो ये भी चीज है। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम हाईएस्ट इंटेलेक्ट बंदे को ही हायर करना है। आगे, रेज अ लिटिल और एज मच एज मनी पॉसिबल, बहुत कम मनी ही आप रेज करो, खुद का अपना पैसा लगाओ, जरूरी नहीं है। अक्सर इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस देखा जाता है कि इंडिया में अपनी इक्विटी लोग जल्दी से डाइल्यूट नहीं करते हैं, वेरस यूएस में क्या, यूएस में लोग अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कंपनी। अगर उनको लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी सी इक्विटी लूज करूंगा, अगर मैं अपनी थोड़ी सी इक्विटी लूज करूंगा, उसके केस में मुझे ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे गाइड करने वाले लोग मिल जाएंगे जो मेरी कंपनी को 10x 20x कर देंगे, तो भले मेरे पास उस कंपनी का 10% शेयर होगा बट उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी अगर मेरी कंपनी ग्रो कर जाती है। तो अगर ग्रो नहीं करती तो अगर मेरे पास 90% भी है तो भी उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, बट इंडिया में लोगों को इक्विटी से प्यार होता है तो वो बहुत कम ही मनी रेज करते हैं। तीसरा, फोकस फोकस फोकस, सिर्फ अपने को काम काम और काम ही करना है, नहीं भैया थोड़ा बहुत आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। फिर फेल फास्ट पिवट क्विकली, जल्दी से जल्दी आप कोई काम करो, फेल हो जाओ उसमें और फिर पिवट कर लो। पिवट कर लो मतलब अगर आप बाई चांस कोई एक काम कर रहे थे उसमें लग रहा है कि अब आप फेल हो रहे हो, तो आपको फटाफट से अपना कंपनी का डायरेक्शन जो है, ट्रैक जो है वो चेंज कर देना है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या था, यूट्यूब जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो वो एक टिंडर जैसा उन लोग का प्लान था कि एक अपन डेटिंग अपन वेबसाइट बनाएंगे जहां पे आप अपने वीडियोस वगैरह डाल सकते हो, वीडियो से सामने वाला आपको अच्छी तरीके से देख सकता है कि भाई क्या हाइट है, पर्सनालिटी है, क्या कॉम्प्लेक्शन है, उससे आपको पता चल जाएगा। बट जब लोगों ने उसमें वीडियो डालना चालू किया, अलग अलग टाइप के कंटेंट आ गए, तो उनको लगा नहीं भैया डेटिंग वेटिंग से काम नहीं चलेगा, अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर देते। तो उन्होंने क्या किया, एक वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया, डेटिंग प्लेटफॉर्म से उन्होंने क्या किया, अपना ट्रैक चेंज किया और एक उसको क्या बना दिया, एक वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया। क्लियर बात एकदम। तो यही होता है पिवट, मतलब अगर आपको ये काम कर रहे हो, आपको लग रहा है उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, फटाफट से आप अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर दो, अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करो, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ। क्लियर बात एकदम। हां जी सर, जैसे MX Player बहुत से लोग यूज करते हैं, वो क्या था, वो सिर्फ एक वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर था, जैसे कंप्यूटर में VLC वगैरह होता है, MX Player क्या था, वो सिर्फ एक आपको एक सॉफ्टवेयर था, एक ऐप था जो कि क्या है, आपको मोबाइल में जो डला रहता है वीडियो प्लेइंग सॉफ्टवेयर, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता था, जैसे सबटाइटल का सपोर्ट वहां पे था जब स्टार्टिंग में आया था, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते थे, कम कर सकते थे, प्लस वॉल्यूम को भी वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एनहांस करता था। बट अब देखो MX Player क्या है, वो सिर्फ एक वीडियो प्लेइंग नहीं बन गया, वो एक OTT प्लेटफॉर्म टाइप बन गया। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक वीडियो प्लेयर ना होकर उन्होंने अपना डायरेक्शन ही ऑल टुगेदर चेंज कर लिया कि ये तो हम रहेंगे, अब हम कंटेंट भी प्रोड्यूस करेंगे, कहीं से कंटेंट खरीद के भी लाएंगे और उसको अपने यहाँ पे भी दिखाएंगे और एड्स आते हैं उससे वो पैसा कमाते हैं। पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो एड्स नहीं आते थे, फिर उनका दिमाग चला, उन्होंने उसको क्या कर दिया, धीरे से मोनेटाइज कर दिया। क्लियर बात एकदम। अंधे सर आगे लिखा, इन एडिशन टू दिस इंडिविजुअल मींस द स्टार्टअप that have become famous because of their success, Microsoft, Apple, Netflix, Oracle, Google and Meta, the big startup myth goes something like this. अब बड़े स्टार्टअप का क्या मिथ होता है भैया, कि entrepreneurs come with a great idea, quit job and start a company. जो भी entrepreneurship होते हैं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से ड्रॉप आउट ले लेते हैं और अपनी खुद की कंपनी चालू करते हैं और बड़े बन ही जाते हैं। ना, जरूरी नहीं है कि हर कोई भैया कॉलेज से ड्रॉप आउट हो और बड़ा बन जाए, अक्सर हमको ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है, बट वो 1000 में से या 100 में से कोई एक जन होता है जो उस लेवल तक सक्सेस हो पाता है, बाकी लोग फेल ही हो जाते हैं, बट उसकी कहानी नहीं देखने को मिलती। तो हमको ऐसा लगता है कि यार इसने पढ़ाई छोड़ी, हम भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिजनेस करते हैं और सक्सेसफुल हो जाएंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है। आगे
इन्वेस्टर्स बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स आइडिया एंड इन्वेस्ट। इन्वेस्टर बिलीव करते हैं एंटरप्रेन्योर के आइडिया पे, इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल टीम कंप्लीट्स प्रोडक्ट क्विकली, प्रोडक्ट इज रिलीज एंड इज अ बिग सक्सेस। प्रोडक्ट को आप रिलीज करोगे जल्दी से जल्दी वो सक्सेस बन जाएगा। कंपनी इज एक्सपीरियंस स्ट्रेट लाइन ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर। कंपनी की जो ग्रोथ होती है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा माना जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्रोथ, जबकि ऐसा रियल नहीं है। कंपनी या कोई भी आप ग्रोथ देखोगे कभी भी भैया वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, उनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार ये नेगेटिव चले जाता है, लॉस भी हो जाता है, ये यहीं पे दी एंड हो जाता है। कई बार कोई यहाँ से बाउंस बैक कर लेता है, एक जे शेप करवा जाता है, वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एक स्ट्रेट लाइन में ही आपकी ग्रोथ हो, आपके जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आते ही है, आ सकते क्या आते ही है। बट ये मिथ है कि भैया बड़ी बड़ी कंपनीज तो क्या सीधा सीधा एकदम टॉप लग जाता है। जैसे एग्जांपल देंगे रेडबुल का, तो रेडबुल क्या एनर्जी ड्रिंक है, अब हमको लग रहा था कि भैया रेडबुल तो एकदम मस्त ग्रो करते जाएगा, बट अचानक से मार्केट में आ गया स्टिंग, और रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कि रेडबुल का जो मार्केट शेयर है वो 74 या 75% सिर्फ 7% पे रह गया, 70% प्लस से लेके सिर्फ 7% पे रह गया। तो जरूरी नहीं है कंपनी की ग्रोथ क्या एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, वो ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है। क्लियर बात है एकदम। हाँ जी सर, तो विद दिस आज का हमारा ये जो टारगेट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और आपका ये वाला जो चैप्टर था बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योर क्वेश्चन, ये भी यहीं पे समाप्त होता है इस वीडियो में। आई होप आप फटाफट से 30 लाइक्स करवा दोगे, और जैसे ही आप ये लाइक टारगेट पूरा करवा दोगे आपके लिए अगले चैप्टर की वीडियो आप तक आपको मिल जाएगी। क्लियर बात है। हाँ जी सर, तो ऑन दिस नोट आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्युएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।